नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। लोकसभा का पांचवा चरण समाप्त हो गया है और इसी बीच नेता वोट बैंक से मजबूत जातियों को अपनी तरफ करने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर लगातार बोल रहे हैं और आगे आने पर समस्या का समाधान करने की भी बात कह रहे हैं। चाहे मोदी हो या फिर राहुल गांधी, सभी जाति को लेकर बयान दे रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि मेरी सरकार आई तो हम आपके लिए क्या करेंगे। इस बीच इस लोकसभा में मुसलमान लगता है कि गायब है और कोई भी पार्टी मुसलमानों को लेकर कोई बात नहीं कर रही है। उसे लग रहा है कि अगर मुसलमानों के बारे में बात की तो बीजेपी दबाव बनाएगी और ध्रुवीकरण हो जाएगा, इसीलिए सभी पार्टियां मुस्लिम मुद्दों से हटकर बात कर रही है। और इस बीच आरएसएस के बड़े नेताओं में से एक इंद्रेश ने इस चुनाव और मुस्लिमों पर बड़ी टिप्पणी की है। आरएसएस नेता ने दावा किया है कि देश के लाखों मुसलमान नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इंद्रेश ने आगे कहा कि इस्लाम में कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि कट्टर बनने के लिए जो कहता है वो शैतान के रास्ते पर चल रहा है। जो सच्चा, नेक और अच्छा इंसान बनने के लिए कहता है वो रसूल का, इंसानियत का, मानवता और हिंदुस्तानियत के रास्ते पर है। तो इंद्रेश कुमार ने कहा कि मुसलमानों ने देश की आजादी के बाद 70 सालों तक जिस दल पर भरोसा किया उसने उन्हें बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं दिया। जबकि मुसलमानों को भी अब पता चल गया है कि जिनसे नफरत की उन्होंने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, इसलिए देश का मुसलमान भी पीएम मोदी के नेतृत्व में बनने जा रही एनडीए की सरकार में भागीदार बनने को पूरी तरह से तैयार है। पांचवें चरण के बाद आरएसएस के बड़े नेता का बयान आना बड़ी बात है और इंद्रेश यही नहीं रुके और आगे उन्होंने कहा कि आरएसएस के प्रति भी मुसलमानों के नजरिए में तब्दीली देखने को मिल रही है। देश के लाखों मुसलमान अब ऐसी सरकार चाहते हैं जो उम्मीदों के अनुकूल हो। 2014 से लेकर 2019 के बीच देश के मुसलमानों का रुझान बीजेपी की ओर तेजी से बढ़ा है और इसका कारण बीजेपी के काम को दी जा सकती है। 3 तलाक और हलाला के मामले से मुस्लिम महिलाओं का भी बीजेपी को समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने हज का कोटा 1.25 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है, जिससे देश के मुसलमानों में एक अच्छा संदेश गया है। तो कुल मिलाकर राजनीतिक रूप से अछूत करार दिए गए मुसलमानों के प्रति अचानक पांचवें चरण में आरएसएस के बड़े नेता का बयान आना अपने आप में चौंकाता है और मुसलमानों का बीजेपी और आरएसएस के प्रति बदले नजरिए को दर्शाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 23 मई को क्या रिजल्ट आता है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी का रवैया मुसलमानों के प्रति बदला है और इंद्रेश का बयान इसी का परिणाम है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।